OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबी मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर, फिरोजाबाद के युवक को लकड़ी, चाकू, ब्लेड आदि शरीर पर मारकर मरघटी के पास छोड़ने का आरोप। थाना टूंडला क्षेत्र नगला रामकिशन का बताया गया पूरा मामला। जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाने पर चिकित्सक ने किया आगरा रेफर। बता दें, फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र नगला रामकिशन में एक युवक को आरोप है कि पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति ने शराब पिलाकर लकड़ी, चाकू, ब्लेड उसके शरीर पर चलाकर मरा हुआ मानकर गांव में मरघटी के पास जंगल में छोड़ गए। परिजनों के तलाशने पर पड़ा मिलने पर तत्काल जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से आगरा रेफर कर दिया गया। बताते चले, थाना टूंडला क्षेत्र नगला रामकिशन निवासी 28 वर्षीय रविंद्र कुमार उर्फ बंटी पुत्र श्याम बाबू को गांव के ही रामगोपाल नामक व्यक्ति ने एक पुरानी रंजिश में शराब पिलाई, उसके बाद लकड़ी, चाकू, ब्लेड आदि से मारकर लोहलुहान मरघटी के पास जंगल में मरणासन हालत में छोड़ गए। परिजनों की काफी तलाशने पर वहां मिले तो तत्काल जिला अस्पताल लेकर आए, जहां सरकारी ट्रॉमा सेंटर से नाजुक हालत के चलते आगरा रेफर कर दिया गया। परिजनों के द्वारा बताया गया कि पूर्व में इसके साथ झगड़ा हुआ था, तभी मारने की बात कही थी इससे। मनोज कौन है आपके? ये भैया है मेरा, बड़ा भैया है बंटी। अच्छा, क्या बात क्या हुई थी पूरी? दादाजी, मैं डेली आता मरघटी दारू पीने के लिए, चिलम पीने के लिए, ठीक है। बीच में इसकी पहले लड़ाई हुई थी उससे, रामबाग शेखर थे, गाड़ी काटते हैं दोनों, शेखर कालू आलू। उसने एक दफे इसको बिंदी दी थी और राम गोपाल ने उसने भी दी थी बिंदी, में जब तो पीना भूल जाएगा। तब तो कितना लड़ाई हुई है इसकी, तो फिर मैंने इसको बंटी से कही, बंटी ले आ रहा था, उसके बाद फिर मुझे नहीं मिला इसे, समझ लो। आज क्या हुआ फिर? रात में मैंने इसको एक डेढ़ बजे के टाइम में ढूंढा है, 7 बजे के टाइम में अपने यार दोस्त ने दारू पी है। फिर जब बोला मेरे चाचा से, भैया मैं चलन भी काम हूँ, चाचा मैं आ रहा हूँ, तुम पहुँचो घर है। तो इतने में बच्चे नहीं आया तो राम माँ सुनी थी और के राम गोपाल से मार के फिर बोलना इसको। वो दारू जल यहाँ टेका है 10 कदम की दूरी पर टेका, तो कम से कम जो कचेरे के ठेका पर 20 कदम की दूरी पर लेकर आया, उसकी मैं परछाई दिखा दूंगा आपको मैं। किससे मारा है ने? इसको चप्पल से मारा, चप्पल चप्पल बब्बल से, देखो देखो ढंग से देखो, चाकू चप्पल चलाया। कहाँ पे डाला मार के ने? इसको ठेका था 20-30 कदम की दूरी पे डाला बस। कौन सी जगह? जंगल में, जैसे कि अपने जो भेड़ भेड़ में जंगल पंगल होते नहीं वही, उसे में डाला। अजीत सर। अजीत कौन है घायल आपके? जी मेरा भाई है। क्या बात हुई थी? बात ऐसी हुई थी, मरघटी में जाकर डेली लोग दारू पीते हैं, इसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, उसने उधार दी अपना बदला लेने के लिए। जाने 3 जने ने मारो, उसका नाम है रामगोपाल, पप्पू और सतीश, जो छैगुरा लंगला में रहता है, वो रेलवे में महोज ने रंजीत निकाली आज चौकी उसे पिलाने के लिए, जो लोग ले के गए हैं और इन लोगों ने मारा है सर, मौके का फ़ायदा उठाया है इसलिए।
जी, तो वजह क्या रही इसमें? वजह ये थी, इसकी पुरानी रंजित थी। किसने मारा? जे राम गोपाल। किससे मारा? जे लकड़ी से भी मारा है और ब्लेड भी मारे चेहरे पे और नहीं पे गद्दन पे भी मारे, जीप पे भी ब्लेड मार दिया, बोले नहीं कुछ। अजी सुनते हो, बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। Extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well. अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो, कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज, अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और, ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल, अपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9